नमस्कार, इंडियन वीडियो 8 में आपका स्वागत है। मैं सुनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। 08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना जिले में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री, गुना जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री पर FIR दर्ज करने के लिए SP को ज्ञापन दिया। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने 2 महीनों के कोविड के मृत्यु के आंकड़े गुना जिले के सिर्फ 18 बताया है, जो मैं मानता हूं एक बहुत ही बड़ा झूठ है। और मैं तो खुद पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या वो इन आंकड़ों से सहमत है, क्या वो इनको सच मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। अगर हाँ तो मुझे उन पर दया आती है, और अगर इन आपको सत्य नहीं मान रहे हैं तो फिर जो विभाग, जो कमिश्नर, जिस मंत्री के द्वारा ये आंकड़े हर दिन सामने आते हैं पत्रकारों को, नेताओं को, आम जनता को, तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? और उसको लेकर आप लोगों ने CM पे भी FIR दर्ज की जाए। कमलनाथ जी ने सब इतना कहा था उज्जैन में कि जिस प्रकार से कोरोना का ये स्ट्रेन फैला है, विदेश में ये स्ट्रेन इंडिया के नाम से माना जा रहा है, जिसके कारण जो ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो कहीं विदेश में रहते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो इस बात की चिंता जताई थी कमलनाथ जी। और वही इस विजय पर उन पर कल FIR दर्ज हो गई। कल तनखा जी ने तो ये बात स्पष्ट दिखाई भी है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि कोरोना का इंडिया स्ट्रेन, तो क्या शिवराज सिंह जी मोदी जी पर भी FIR दर्ज कराएंगे? तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना महामारी का इतना एक भारी संकट चल रहा है, ऐसे समय में शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री राजनीति कर रहे हैं, बेफजूल FIR दर्ज करा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि कल विश्वास सारंग जी, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जिनको 24 घंटे आज के समय जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में है वो दिखनी चाहिए, वो FIR दर्ज करा रहे हैं कमलनाथ जी पर। इनको शर्म नहीं आती? इन लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमने आज इसीलिए यहाँ गुना में SP ऑफिस आकर SP साहब को आवेदन दिया है कि जो झूठे आंकड़े भाजपा की सरकार प्रस्तुत कर रही है, मैंने तो हेल्थ बुलेटिन जो हेल्थ कमिश्नर के द्वारा हर दिन दिया जाता है, मैंने पिछले 2 महीने का हर दिन का हेल्थ बुलेटिन सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें अगर हम हर दिन की गिनती करें गुना जिले की, तो सिर्फ 18 मृत्यु सामने आ रही कोरोना से। कितनी आश्चर्य की बात है, जिस जिले में कम से कम मैं साबित कर सकता हूँ कि असली आंकड़े 20 गुना ज़्यादा है, कम से कम 400 से के लगभग होंगे, और वही प्रशासन सिर्फ 18 मृत्यु दिखा रहा है पिछले 2 महीनों में गुना जिले में। ये जनता का अपमान है, और इसलिए हमने आज यह मांग की है कि झूठे आंकड़े देने के लिए और एक प्रकार से जो मृत्यु में कोरोना उन लोगों का अपमान करने के कारण शिवराज सिंह जी पर FIR दर्ज की गैर आत्महत्या की लिखी है ज्ञापन जी, उसकी उन धाराओं में देखिए बिल्कुल ये इतनी बड़ी लापरवाही की है। और जैसा मैंने पहले कहा है, जो भी ऐसे हमारे साथी हैं गुना जिले के, मध्य प्रदेश के, जो कोविड की मृत्यु हुई है, उन सबका बहुत बड़ा अपमान किया।